सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि क्लासेस। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फोर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम रेशियोज, मतलब जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इन सभी रेशियोज को हम कैसे, कितने एंगल पर, किस क्वाड्रेंट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या नहीं, साइन को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं केवल, टेन को कॉट में और कॉस को सेक में, लेकिन अकॉर्डिंग टू विच पर्टिकुलर एंगल, किस पर्टिकुलर एंगल पे हम साइन को कॉस में, कॉसेक में, टेन को कॉट में और सेक को कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियोस। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी चैनल पर जाइए और मेरी वीडियोस देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब आप सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गया। कोऑर्डिनेट पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ेंगे तभी हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रोसेस कर पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते थे। क्या होते हैं? चार क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट एक्स, वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, तो इन क्वाड्रेंट्स में क्या होता था, ये जो हमारा पूरा होता था ये पॉजिटिव होता था, ये पूरा हमारा पॉजिटिव होता था, ये पूरा हमारा नेगेटिव होता था एंड ये पूरा हमारा नेगेटिव होता था। मतलब इधर जो भी नंबर्स लाए करेंगे, ये नंबर जो लाए करेंगे, ये उन पर्टिकुलर साइन को डिस्क्राइब करता था। यहाँ पे हमारा जो भी इस क्वाड्रेंट में, इसको हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जो भी नंबर लाए करेगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी नंबर लाए करेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर लाए करेगा वो नेगेटिव और नेगेटिव होगा। ठीक, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नंबर लाए करेगा वो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट में किसी भी नंबर को लिखने का जो फॉर्मेट होता था वो हमारा फॉर्मेट होता था एक्स कॉमा वाई। तो जो एक्स का जो साइन होगा उसको हम पहले लिखते हैं फिर वाई के साइन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक्स का साइन जो है वो माइनस का है, तो हमने पहले माइनस साइन लिखा, देन हमारे पास क्या साइन है, वाई का हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, तो वाई का हमने क्या लिखा, पॉजिटिव का साइन लिखा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश में, यहाँ पे हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक, कैसे चेंज करते हैं, हमने फिर से एक क्वाड्रेंट बना लिया, एक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का एक पूरा ग्राफ बना लिया जिसमें चार क्वाड्रेंट है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड, दिस इज कॉल्ड थर्ड एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ। वी ऑल नो दैट यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का, ये 270 का, ये 360 का, ये पूरा जो एंगल बन जाता है, ये जो पूरा एंगल जब हम ऐसे घुमा के यूं करके बनाते हैं तो ये कितने का एंगल बनता है, ये 360 का एंगल बनता है। 90 90 90 एंड 90, 360 का एंगल बन गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रिक बताते हैं, क्या बनाते हैं ट्रिक, ऑल स्टेशन, ऑल स्टेशन टिकट, इसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, ठीक, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर। अब आप बोलेंगे कि ये आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे यहाँ पे साइंस या मुझे यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ना, आप मुझे प्लीज़ मैथ्स पढ़ाइए। मैं बोलूँगी मैं आपको मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ, बट दिस इज़ अ ट्रिक, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर मीन्स ए एस टी एन सी। यहाँ से हम ए एस टी एन सी का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए से मतलब ऑल, एस से साइन एंड कॉसेक, टी से टेन,
एंड कॉट, एंड अगेन सी से कॉस एंड सेक। ये जो हमारे होते हैं इनको हम चेंज करते हैं, मतलब साइन को, वी नो दैट साइन को हम केवल कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, टेन को हम केवल कॉट में चेंज करते हैं, कॉसेक को हमेशा सेक में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे जितने भी रेशियोज हैं वो आपस में चेंज होते हैं। जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन कॉसेक में चेंज होता है, कॉस सेक में चेंज होता है, और टेन कॉट में चेंज हो जाता है, एंड दीज आर रिवर्सिबल। मतलब कॉसेक साइन में भी चेंज हो सकता है, सेक कॉस में भी चेंज हो सकता है, एंड कॉट टेन में भी चेंज हो सकता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे ये सारे एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आ जाती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, अगर हमारे पास जो थीटा होता है हमारे पास सेकेंड, हम यहाँ बात कर लेते हैं किसकी, अगर हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा जो होता है वो 190 से बड़ा और अगर 180 से छोटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो हम उसमें केवल उस कंडीशन में साइन को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो 90 से बड़ा है पर 180 से छोटा है, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, ना कॉस को सेक में, ना टेन को कॉट में। ये हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा। ठीक, 180 माइनस थीटा हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन लगाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो थीटा होता है वो 180 से बड़ा पर 270 से छोटा होना चाहिए, 270 से छोटा होना चाहिए। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है कि थीटा जो है वो 180 से तो बड़ा होना चाहिए पर 270 से छोटा होना चाहिए। क्या होता है, 180 से तो बड़ा लेकिन 270 से छोटा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं, 10 को कॉट में और कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं। बाकी हम इन चारों को आपस में एक दूसरे साथ चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल 10 को कॉट में और कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। अब हमारे पास जो लास्ट क्वाड्रेंट बचा, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इसमें हमारी एक कंडीशन होती है, ऑब्वियस सी बात है कि 270 से तो थीटा बड़ा होना चाहिए पर 360 से थीटा छोटा होना चाहिए, 360 से थीटा छोटा होना चाहिए। इट इज़ अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि 270 प्लस थीटा। ठीक, तो अब हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम केवल कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं और सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है उसको हम कॉस में सेक में और सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो रेशियोज थे उनकी कुछ मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या, अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज 90, तो 90 में हम क्या करते हैं, साइन को कॉस सेक में, कॉसेक को साइन में, कॉस को सेक में, सेक को कॉस में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं। पर हमारे पास सेकेंड जो क्वाड्रेंट आता है दैट इज साइन टू कॉसेक ओनली, साइन से कॉसेक में या कॉसेक से साइन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये थीटा जो होता है वो 90 से तो बड़ा होता है पर 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है पर 180 से छोटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या कंडीशन आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कंडीशन आती है कि जो हमारा थीटा होता है वो 180 से तो बड़ा होना चाहिए पर 270 से छोटा होना चाहिए। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कंडीशन आती है
कि 180 से तो थीटा बड़ा होना चाहिए पर 270 से छोटा होना चाहिए। दैट इज इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे केवल 10 को कॉट में और कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं, बाकी ये चार रेशियोज आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं। ठीक, तो फिर अब इसके बाद क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 270 से थीटा बड़ा पर 360 से थीटा छोटा। 270 से तो बड़ा पर 360 से छोटा, 270 से बड़ा पर 360 से छोटा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मतलब रेशियोज होते हैं, पर्टिकुलर रेशियोज जिनके हम पर्टिकुलर एंगल्स के साथ हम केवल उनको चेंज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कंडीशंस को। अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में या कॉपी में कहीं पे भी लिख सकते हैं दैट ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है इन्हीं के अकॉर्डिंग पे हम साइन को कॉस में, कॉस को सेक में और टेन को कॉट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपने देख लिया है। एंड इसकी ट्रिक में फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर ए से ऑल, एस से साइन टू कॉसेक, टेन से टेन और कॉट, एंड सी से कॉसेक। सो फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल्स इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। ठीक, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया था, जैसे अभी मैं साइड में ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये चार क्वाड्रेंट बताए थे। तो मैंने फर्स्ट में आपको ये बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि यहाँ पे सारे जो रेशियो होते हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अच्छा, एक बात बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखना, क्या कि साइन का अपोजिट जो होता है वो वन अपॉन कॉसेक होता है, लेकिन साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉस होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, एंड सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। ये हमारे तो कुछ जनरल फॉर्मूलेज हो गए, ये तो हमें मतलब समझ में आ गया, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा साइन, 10 का कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स दोनों कॉट, और कॉट का भी कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स दोनों 10, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, नॉट इनवर्स। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, नॉट इनवर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी। 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारे पास 90 तक होता है। अगर इसके आगे एक डिग्री भी और है तो ये सेकंड इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे केवल कौन से चेंज हो सकते हैं, मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी, कौन से चेंज हो सकते हैं यहाँ पर, साइन एंड कॉसेक। यहाँ पे कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, केवल साइन और कॉसेक। तो साइन ने अपने आप को चेंज कर लिया है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा विद अ पॉजिटिव साइन, विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब 10 को 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा, और कॉट को 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस 10 थीटा। कॉसेक को 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेक थीटा विद पॉजिटिव साइन, और सेक को 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर साइन 90 प्लस तो थीटा आता है, यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख के आते हैं, या क्वेश्चंस में कॉसेक थीटा यूज़ करते हैं। कॉसेक थीटा हमें नहीं यूज़ करना है, बिकॉज साइन का कॉम्प्लीमेंट जो, साइन का जो इनवर्स होता है वो कॉसेक होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट तो कॉस थीटा होता है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी समझ लीजिए, बहुत जो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पता होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 होता है,
तो ये किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। जब हम किसी भी एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इस 60 को हमने 90 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 30 जो है वो 60 का कॉम्प्लीमेंट है। 30 जो है, 30 और 60 आपस में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। और यही अगर हम 180 से 60 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो 120 आता, ठीक। तो हम क्या कहेंगे फिर हम कहेंगे कि 60 और 120 आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं, सप्लीमेंट है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे सप्लीमेंट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो साइन जो है वो कॉसेक का इन्वर्स है, या कॉसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉसेक कॉस थीटा है। या इसीलिए जब भी हमारे पास 90 के साथ कोई भी थीटा होगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, हम हमेशा उठा के कॉस ही रखेंगे, या तो प्लस साइन में या तो माइनस साइन में। साइन 90 के टर्म में हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉस भले ही नेगेटिव हो जाए, साइन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कॉस में पॉजिटिव निकल के आएगी, साइन की पॉजिटिव। लेकिन कॉस की 90 प्लस थीटा में तो नेगेटिव निकल के आती है, और माइनस थीटा में पॉजिटिव निकल के आती है। फिलहाल आपके में बस इतने ही फॉर्मूले यूज होने हैं, और आप इन्हीं को याद करिए और समझिए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ और ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इन फॉर्मूलेज को केवल याद करने से कुछ नहीं होगा, इन फॉर्मूलेज पर जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें ये फॉर्मूलेज नहीं समझ पाएंगे। लास्टेस्ट रिविजन हम एक बार कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। नाउ 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसमें हम साइन और कॉसेक को विद पॉजिटिव साइन चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, एंड सेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज थी जिन पर एंगल्स, जिन एंगल्स पर एलाइड एंगल्स, इनको एलाइड एंगल्स बोलते हैं, जिन एलाइड एंगल्स पर हमारे जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे जो रेशियोज होते हैं वो चेंज होते हैं इट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंजॉय लॉकडाउन।